तो आज हम ट्राई करेंगे मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट एंड देखेंगे इसका टेस्ट है कैसा, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों ने ट्राई नहीं किया, बट आज ट्राई करेंगे देखेंगे टेस्ट है कैसा। सो लेट्स ईट। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स के ब्रेकफास्ट मेन्यू से क्या खाने वाले हैं भाई साहब, प्लीज लोगों को बताओ। सबसे पहले हम खाने वाले हैं मसाला चाय। इसका प्राइस है 56 रुपीस, मतलब 56 रुपए। मसाला चाय पीने वाले, मतलब खाना इतना है कि बट पीना भूल गए। मेरे पास यहाँ मसाला चाय, इसमें ज्यादा कुछ दिखाने वाला है नहीं, ठीक है। हम सर टेस्ट करके बता सकते हैं टेस्ट है कैसा। लेट्स ड्रिंक। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मिल्की जैसा होता है ना, होटल की चाय जैसे बोलते हैं भाई, ये होमलैंड रहेगा। बट ऑनेस्टली बड़ी अच्छी चाय है, टी अच्छी है। बट अभी देखते हैं कि मेन मेन्यू में है क्या ब्रेकफास्ट में, उसके लिए हमारे को खाना पड़ेगा। सो लेट्स ईट। सो इट्स टाइम फॉर राउंड टू। एंड भाई साहब अभी हम क्या खाने वाले हैं, इसका नाम और प्राइस प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसका नाम है हैश ब्राउन एंड इसका प्राइस है 45 रुपीस, मतलब 45 रुपीस। यस, तो एक काइंड ऑफ यूएसए की आलू टिक्की है। एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। या यूएसए या यूके, मतलब जहां पर भी खाते हैं इसको, आलू टिक्की समझ लो, ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में। तो ये बेसिकली है क्या, इसके अंदर पोटेटोस होते हैं, ज्यादा कुछ इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह नहीं होते हैं। मतलब नॉर्मल पोटेटो को यू नो, तो उसका स्टार्च रिमूव करके, मतलब जितना भी उसमें चिपचिपापन होता है ना, उसको रिमूव करके ये लोग फ्राई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। भाई साहब को पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, हम दोनों को बहुत पसंद है। बट एक चीज बता दूं, ना ये हैश है ना ये ब्राउन है। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। भाई साहब उठा लो। ओके, और हमने आपको अंदर से भी दिखा दिया कैसे, मतलब इससे टेस्टी आलू टिक्की नहीं, कसम से। ये ऐसी होती है ना, एंड सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की। यस, प्लीज इसे केचप मत खाना भगवान के लिए, ऐसे खा लो। लेट्स ट्राई दिस थिंग। तेल से भरी, इसमें इतना तेल है, मेरे एक बार हाथ देख लो, मैंने दिखाए थे आपको, ठीक है, वीडियो में आप देख रहे हो, इसमें इतना तेल है। बट ऑब्वियसली व्हेन ईटिंग फास्ट फूड, आप ये नहीं बोल सकते कि यार इसमें तेल है, ये अनहेल्दी है, ऑब्वियसली ईटिंग फास्ट फूड मैन, व्हाट यू वांट टू, ओह व्हाट यू वांट, आई थिंक वी आर एट, ठीक है, हैव अनदर बाइट सर। मैं इट इज कहूंगा कि हां, ऑफ कोर्स अनहेल्दी है, इट इज बहुत अनहेल्दी है, इतना तेल से भरा हुआ है, पर इसका जो टेस्ट है ना, कहीं भी नहीं मिल सकता ऐसे हैशों का टेस्ट, मतलब मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है। इवन बाहर यूएसए में लोग कहते हैं कि उनको कहीं नहीं मिलता। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, मतलब वो लोग भी नहीं ढूंढ पा रहे इससे अच्छा। एग्जैक्टली, इवन उनके यहाँ पर नॉर्मल जगह में नहीं बना पाती। अगर आपको ट्राई करना, मैं कह रहा हूँ कुछ में ट्राई करना आगे पूरी वीडियो में से, जस्ट ट्राई दिस थिंग, नो डाउट। ये आलू इतना टेस्टी है, सो डैम गुड। अभी ट्राई करते हैं तीसरी चीज हमारे मेन्यू में से, ठीक है, एंड देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। सो लेट्स ईट। सो इट्स टाइम फॉर राउंड थ्री। एंड भाई साहब अभी हम क्या खाने वाले, इसका नाम और प्राइस पीस लोगों को बताओ। ओके, इसका नाम है वेज मैकमफिन एंड इसका प्राइस है 91 रुपीस, मतलब 90 रुपए। यस, तो ये मतलब ये आपका बोला मफिन नहीं है, ठीक है, केक वाला, ये थोड़ा अलग है। बेसिकली ये काइंड ऑफ बन होता है, ठीक है, जिसको बाहर मतलब वो लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, थोड़ा डेंस होता है। इसके ऊपर पॉपी सीड्स वगैरह हैं, और इसके अंदर क्या को बताया था, इसके अंदर एक कॉर्न एंड स्पिनच की पैटी है। अब ये जो वीडियो ना वेजिटेरियन है, एंड इसके अंदर हम सिर्फ वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट कवर कर रहे हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होगा बाद में करेंगे। बट इसके अंदर है क्या को बताया था, इसके अंदर यू नो देयर इज कॉर्न, इसके अंदर स्पिनच है, देयर इज सम पोटैटोस, इसके अंदर चीज है, इसके अंदर कोई सॉस नहीं है, नो सॉस, बहुत ड्राई। क्योंकि बाहर ब्रेकफास्ट में जब यू नो बाहर खाते हैं, चाहे यूएस हो गया यूके हो गया, क्योंकि ये उन दोनों का ही है काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसके अंदर कोई सॉसेस ज्यादा जाते नहीं है, थोड़ा ड्राई होता है। और ये आपको ना अंदर से तो लगेगा कि इन्होंने इसको बन को जला दिया है, बट इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस, ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। भाई साहब एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटेड, क्योंकि आई नो ये मेरे भैया का फेवरेट बर्गर में से एक है। आई स्वेयर टू गॉड आई लव दिस थिंग। मैंने ऐसी स्पिनच, यू नो स्पिनच ब्रेकफास्ट में ये बेस्ट चीज है, नो डाउट। लेट्स ट्राई दिस थिंग एंड लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा। लेट्स सी। मैंने आज तक नहीं खाया है, ये ना बहुत डेंस होता है, मतलब ऐसे कि गले में फंसेगा और आपको लगेगा कि अब मेरी आखिरी सांस चल रही है। ये आखिरी बर्गर हो सकता है किसी का, बट आई स्वेयर टू गॉड ये ऐसा ही है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसके अंदर अगर आपको नॉर्मली तो ये बन नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है, ब्रेड नहीं मिल रही या ये रोल नहीं मिल रहा कहीं पर, बट बाहर लोग इसे जैम लगा के क्रीम लगा के खाते हैं, ठीक है, तो अपने तरीके से खाते हैं। इंडिया में इससे साफ कर, बट ये बहुत टेस्टी है, ऑब्वियसली यू कैन यू नो अप्लाई लिटिल बिट ऑफ केचप टू दिस, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, बट टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं हाँ, आपको ड्राई लग सकता है, पर ऑनेस्टली अगर आप उसको भूल जाओ तो टेस्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली ना स्पिनच का अलग ही टेस्ट आता है, और ये ऐसा ही टेस्ट करेगा, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आपके वाले मैकडॉनल्ड्स खराब बनाए, थोड़ा ड्राई लगता है। अभी ट्राई करते हैं तीसरी चीज मेन्यू, फोर्थ चीज फ्रॉम मेन्यू, एंड देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। लेट्स ईट दैट वन। सो इट्स टाइम फॉर राउंड फोर, एंड अभी हम क्या खाने वाले हैं भाई साहब, इसका नाम और प्राइस प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसका नाम है वेज सुप्रीम मैकमफिन, इसका प्राइस है 102 रुपए, मतलब 102 रुपीस। तो ये वही चीज है, बट इसका नाम सुप्रीम है, बट आप एक्सपेक्ट करो इसमें कुछ अलग होगा, ठीक है, एंड इसमें अलग है भी, बट इसके अंदर क्या है आपको बताया था, अंदर वही मतलब सेम इसका रोल है, ठीक है, जो मैकमफिन होता है, मतलब वही मफिन वाला है इसके अंदर, ठीक है, वही डेंस वाला बन, इसके अंदर वही स्पिनच पैटी और कॉर्न वाली और पोटेटो वाली पैटी है, देयर सम टमेटोस, वो चेंजेस है, ठीक है, देयर सम ग्रीन चटनी एंड इसके अंदर अनियंस है। अब इसके अंदर बेसिकली ये चीज है कि इसको इन्होंने थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया, exactly, वो थोड़ा सूखा सूखा थोड़ा है, yes, तो ये सिर्फ मतलब इंडियन पैरेट के हिसाब से इन्होंने इसमें डाला, वरना कभी इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, कोई सॉस है कोई भी इसमें कोई डालते नहीं जिससे मॉइस्ट हो जाए, exactly. भाई साहब एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूं, मैंने एक्सपेक्ट किया था इसमें सुप्रीम का लोगो होगा, बट कुछ है नहीं इसके ऊपर। तूने क्या लोगो चाटना बैठ के क्या, इसका लोगो होगा, लोगो ऐसा करा पता नहीं इसने, दीवार पे लगाना, दीवार पे लगाना, दीवार पे लगाना, ठीक है, मतलब लोगो होगा,
अगर एक भाई लोगों का ठीक है, लेट्स ट्राई दिस थिंग। ओके लेट्स ट्राई फर्स्ट बाइट। माय गॉड दिस थिंग इज सो गुड। मतलब अगर वो चीज मतलब ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इंडियन पैलेट के हिसाब से नहीं है, मैं भी यू नो इंडियन हूँ, मतलब लगता होगा आपको मैं थोड़ा सा यू नो स्पैनिश टाइप लगता होगा, बट है बिल्कुल भी मेरा एक्सेंट से थोड़ा लगता होगा आपको कि मैं बाहर से आया हूँ, बट ऐसा ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इंडिया का बिलोंग करता हूँ और इसके अंदर बेसिकली जो फ्लेवर्स है वो बहुत टेस्टी है। चटनी का ऐसा आ रहा मतलब मजा आ गया, चटनी चटनी बहुत अच्छी है। मतलब आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या चटनी वटनी डाल दी बर्गर के अंदर, बट जो मजा आ रहा है ना वो सूखे वाले बर्गर में नहीं आ रहा। बर्गर सैंडविच बर्गर मैकफिन जो भी बर्गर ही है यहाँ के, पर टेस्टी है जो भी ऑनेस्टली बड़ा टेस्ट आया ये खा के इसको मजा आ रहा है। ठीक है इसके अंदर बहुत से फ्लेवर्स है, मॉइस्ट है, अगर आपको ड्राई चीजें मतलब खाना पसंद नहीं है तो आप ये खा सकते हो, बट 10 रुपए बढ़ गए ना इसमें, इसमें काफी बढ़िया थिंक इसमें था 91 से 102 10 रुपए ही 10 रुपए बढ़ गए देखो भाई साहब। ठीक है तो टेस्ट में अच्छा ट्राई करके देख सकते हो आप भी। हम मूव करते हैं हमारी लास्ट चीज की तरफ एंड कुछ मीठा हो जाता है, लेट्स ट्राई दैट थिंग एंड लेट्स ईट दैट वन। So it's time for last and final round and भाई साहब अभी हम क्या खाने वाले, इसका नाम और प्राइस प्लीज लोगों बताओ। ओके सर हमें हॉट केक्स एंड इसका प्राइस है 114 रुपए मतलब 114। यस हॉट केक्स मतलब पैन केक्स, बट जो पैन केक होता है उसमें पान का फ्लेवर होता है। हाँ ऑफ कोर्स वो तो पान तो होगा ही, हॉट केक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है अब इसके अंदर बेसिकली है कि एक चीज बता दूं, ये एगलेस है। ठीक है सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टेस्ट यू नो दैट गुड ऑब्वियसली। ठीक है बट ये देखने में देख लो कैसे हैं, दे लुक डेंस दे लुक ड्राई, और पैन केक्स कभी ऐसे नहीं होते नो डाउट। एंड अलॉन्ग विद दिस दे हैव गिवन अस मेपल सिरप या पैन केक सिरप, ठीक है साथ में बटर है। तो इसमें आपने करना क्या है, बाय चांस यू डोंट नो कि करते कैसे तो बनाते कैसे, तो आपने करना क्या, आपने बटर लेना। ठीक है यू नो ड्रिजल अ लिटिल बिट ऑफ बटर ऑन वन केक एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ बटर ऑन द अदर केक। ठीक है और फिर लेना थोड़ा सा पैन केक सिरप। तो ये भाई साहब एक्साइटेड हो खाने के लिए, ऑफ कोर्स एक मैं अपनी प्लेट में निकाल लेता हूं। ठीक है तो लेट्स ईट दिस थिंग, बहुत डेंस है बहुत एग्जैक्टली, और यही अगर इसमें एग होता ना तो ये बहुत टेस्टी होता है, फ्लफी होता है। फिर पैन केक्स यू नो एग वाले ही होते हैं, ये तो मतलब मजा आता है। लेट्स ईट आपने असली पैनकेक खाया है तो फ्लफी होता है सॉफ्ट होता है, ये डेंस एंड मोटा है ऑनेस्टली। हाँ बीच से भी थोड़ा ड्राई है बट इज गुड बिकॉज इफ यू वेजिटेरियन तो चाय से थोड़ा मिलना मेरे को नहीं पता कितना इजी होता है एगलेस वाली पैनकेक वगैरह, बट ये टेस्टी है। हाँ ओवरऑल टेस्टी है अगर आप वेजिटेरियन को कंसिडर करोगे वरना ठीक ठाक है। एंड एक चीज यार इनको ना अगर आप जाओगे तो इनको बोल देना भाई ये मेपल सिर्फ बटर डाल देना, देखो हमेशा भूल जाते हैं इतने बेवकूफ है मैं वाले। टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट वैसे ठीक है नॉट बैड एट ऑल, बट हाँ थोड़ा सारा डेंस yes. है अभी। और हमने रेटिंग वाला सिस्टम सोचा कि एंड में करेंगे क्योंकि वो बेटर रहता है। तो भाई साहब सबसे पहले हमने ली थी टी, तो टी को कितना रेट करोगे? टी को आगे 5/5 है, बहुत अच्छी टी थी। टी मेरे लिए 5/5 है, देन वी हैड हैश ब्राउन, तो भाई साहब इसको कितना रेट करोगे? हैश ब्राउन को भी 5/5 मतलब ये दोनों तो चीजें तो बहुत अच्छी है। फिर हमने खाया था इनका ये वाला इंग्लिश मैकमफिन, ये वाला जिसके अंदर चटनी नहीं थी, ठीक है सस्ते वाला, इसको कितना रेट करेंगे? इसको मैं करूंगा 3/5 है, आई गिव ओनली 2 क्योंकि इससे बेटर वो वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ये वाला चटनी वन, ठीक है तो इसको भाई साहब कितना रेट करोगे? 4/5 बहुत अच्छा है मेरे लिए, 4/5 नहीं है क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं है, 4 है। 4 तो इजीली है नो डाउट। नाउ कमिंग टू पैनकेक्स, भाई साहब कैसा लगा पैनकेक्स? मैं आगे 2/5 आई डिडंट लाइक इट एट ऑल ऑनेस्टली। मैं 3 दूंगा, इतने बुरे भी नहीं है, सो मतलब एवरेज हम आ जाते हैं 3 पे, तो एवरेज 3 पे कर सकते हो। मतलब ओवरऑल ब्रेकफास्ट मेन्यू तुझे कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा ओवरऑल, ये काफी लाइक अच्छा मेन्यू रहा, ट्राई ट्राई करना चाहिए, ऑफ कोर्स ट्राई करना। मतलब ऑब्वियसली अगर आपके आसपास मिलता है क्योंकि हर मैकडॉनल्ड्स में अवेलेबल नहीं होता ब्रेकफास्ट मेन्यू, बट अगर आसपास है यू कैन ट्राई, यू कैन एटलीस्ट ट्राई यू नो हैश ब्राउन या फिर अपना चटनी वाला, वो तो करना ही चाहिए। ठीक है और चाय भी, चाय तो मतलब मिलती है पूरा, वो तो फुल टाइम मिलती है, फुल टाइम मिलती है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए भाई साहब क्या करना है बताओ यार, आपने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और ऐसी नई नई वीडियोस देख सको। कि ऐसी वीडियोस कहां मिलती है मुझे नहीं पता, अगर मिलती है मुझे बताओ क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, कम कर रहे हैं मतलब। ठीक है ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, टिल देन टू मीटिंग नॉमिनेटेड, टिल देन बाय बाय।